हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नोज चौपाट। आई एम अंजू। आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग करने जा रही हूँ। मैं आज दो तरह के पीकॉक ड्रॉ करूँगी। इस एक में मैं यूज़ करूँगी वाटर कलर्स और दूसरे में 3D कलर्स, और आपको डिफ्रेंशिएट करके बताना होगा कि कौन से कलर ज़्यादा आपको अच्छे लगे हैं और हमें किस कलर में ज़्यादा पेंटिंग करनी चाहिए। इसके लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखें, और आप यदि नए हों तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। यह पेंटिंग बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छी होगी, ये आपको अच्छा रिजल्ट देगी। इसके मैं स्टेप धीरे धीरे आपको फॉलो करने होंगे आपको धीरे धीरे, और इसके लिए आपको टर्न बाय टर्न मेरी वीडियो को देखना होगा एंड तक। सो एंजॉय द वीडियो। मैंने मैक्सिमम ड्रॉ कर लिया, इसके बाद मैं ब्लैक मार्कर का यूज़ करूँगी। इसको मैं डायरेक्टली यूज़ करूँगी, और जो भी एक्स्ट्रा है आपका पेंसिल से ड्रॉ किया उसको आपने इरेज कर देना है। इसमें मैं कैमल्स वाटर कलर यूज़ करूँगी फर्स्ट पीकॉक में, और आपको इफेक्ट काफ़ी अच्छा दिखेगा। इसमें हमारी शेडिंग लाइट कलर की हो रही है, और हम चाहें तो इसको डार्क कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। कैमल वाटर कलर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी, आप चाहें तो ज़रूर देखना। सेकेंड पिकॉक में 3D वाटर कलर्स का यूज़ करूँगी, इसको 3D कलर्स भी कह सकते हैं हम। यह करने में काफ़ी स्मूथ चल रहे हैं, और इसका इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। देखिए अभी ये फर्स्ट टर्न में भी कैसे अच्छे हो रहे हैं। यह बिगनर्स के लिए, जिनको वाटर कलर यूज़ नहीं करने आते, जिनको कलर अच्छे से नहीं आते, वो आसानी से इसको कर सकते हैं। इसलिए ये बिगनर्स के लिए, जो वाटर कलर्स नहीं यूज़ कर सकते उनके लिए ये बेस्ट होंगे। वाटर कलर्स में 3D ब्लैक मार्कर का यूज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा सा ये हार्ड पेन चलता है, पर 3D कलर्स में हम मार्कर का यूज़ करते हैं, ये इजीली और बड़ी स्मूथली चलता है। ये डिफरेंशिएट काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। स्केल नहीं था, इसलिए मैंने कॉपी की हेल्प से मैं इसका बॉर्डर ड्रॉ कर रही हूँ, और हमारा जो भी एक्स्ट्रा निकला उसको मैं वाटर के ज़्यादा आसपास फैला रही हूँ, ताकि अच्छा लुक आए, और देखने में ये काफ़ी अच्छा लुक आएगा आपको। अभी आपको कमेंट बॉक्स में जाकर बताना होगा कौन सा पीकॉक आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, 3D वाटर कलर्स और वाटर कलर्स, कैमल वाटर कलर्स। लुक, दिस इज़ वेरी अमेजिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।